हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और बात करने वाले हैं आज हम राजस्थान सीएचओ के बारे में। राजस्थान सीएचओ रिजल्ट के रिगार्डिंग जो अपडेट हैं, लास्टली जो दो और तीन अपडेट मैंने आपको दिए थे उसके रिगार्डिंग आप सबको पता है, जिस सबने उस अपडेट को देखा है। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से उनको देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान सीएचओ है उसका रिजल्ट है, उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग जो देरी हो रही है यानी कि उसको लेट किया जा रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या रहा है और क्यों ये लेट हो रहा है। और फाइनली जब एनएचएम से डिसाइडेड हो चुका था कि इसका रिजल्ट है जो कि डिक्लेयर करना है, यानी जैसा कि मैंने लास्ट अपडेट में दिया था, आप सबने देख लिया होगा, 23 मार्च को वो इसका फाइनली जो रिजल्ट है 23 मार्च को वो डिक्लेयर करने वाले थे, लेकिन उसके रिगार्डेड उससे ही पहले हाई कोर्ट से यानी कि कोर्ट से एक लेटर जारी हुआ, यानी कि एक ऑर्डर जारी हुआ, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इसका रिजल्ट है अभी जारी नहीं कर सकते। रीजंस मैंने आपको लास्ट अपडेट के रिगार्डिंग बताए थे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, तो लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि इसका रिजल्ट है वो रोका जा रहा है और कब तक रोका जा रहा है, तो उसकी डेट भी मैंने आपको बताई थी और आप अभी भी देख सकते हैं 26 मार्च तक इसका जो रिजल्ट है वो रोका गया है। क्यों रोका गया है उसके रिगार्डेड लास्ट अपडेट आपने देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और बेसिकली जो अपन बात करें कि इसका रिजल्ट का रोकने का जो मेन कारण रहा है वो ये रहा है कि इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 से भी ज़्यादा यानी मोर देन 100 पेटिशन्स इसके रिगार्डेड ऑलरेडी लगे हुए हैं और अभी भी इसके रिगार्डेड हैं, जो कि पेटिशन बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। जैसे टाइमिंग निकलता जा रहा है वैसे वैसे इसके रिगार्डेड जो पेटिशन है यानी याचिका है वो बढ़ रही है, यानी कैंडिडेट हैं अभी भी कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, यानी कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, जबकि अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्टली जो दो तीन अपडेट आपको दिए थे उन अपडेट के रिगार्डिंग मैंने आपको सब कुछ बताया था कि यदि फाइनली आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको कुछ दिन होल्ड रहना होगा। इट मींस जो कोर्ट में जाना, पेटिशंस लगाना, वो अभी नहीं करना होगा, अदरवाइज वापस से डेट एक्सटेंड चलती रहेगी और रिजल्ट है ऐसे ही रुका रहेगा। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के समझ नहीं आया है, काफ़ी सारे कैंडिडेट फिर भी उतना कहने के बाद भी कोर्ट में जा रहे हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट पर रोक लग चुकी है और 26 मार्च तक इसके रिगार्डेड है, जो कि रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। बाकी कुछ कंडीशन हो सकती हैं कि रिजल्ट आ जाए, बट वो कंडीशंस क्या हो सकती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आज संडे और आज के बाद इसके रिगार्डेड जो सुनवाई होने वाली है, हायरिंग जो होने वाली है वो 23 मार्च को होने वाली है। कब होने वाली है? 23 मार्च को होने वाली है। तो उस सुनवाई में हो सकता है कि NHM प्रॉपर जवाब दे देता है तो हो सकता है रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाए। बट जहाँ तक कोर्ट का जो ऑर्डर जारी हुआ है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक जिन्होंने याचिकाएं दर्ज की हैं उनका सोल्यूशन नहीं होता है, यानी 26 मार्च तक जो भी इसके रिगार्डिंग मामले हैं उनको सोल्व करना है और 26 मार्च को एक हायरिंग होगी और उस हायरिंग में NHM को जवाब देना होगा। क्या करना होगा? NHM को जवाब देना होगा। यदि उस जवाब से हाईकोर्ट है जो कि एग्री हो जाता है तो वो बिल्कुल एक ऑर्डर जारी कर देंगे कि आप इसके रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहने वाली है और NHM आखिर वहाँ पर जवाब क्या देगा वो मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया है। नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके रिगार्डेड CHO AC वैकेंसी बन चुकी हैं, जिसके रिगार्डेड अप्रोक्स काफ़ी दिनों से यानी महीनों से इसके रिगार्डेड पड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि वेट कर रहे हैं और बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका कोई अपडेट आता है बताइए, और वो ये भी कह रहे हैं कि ना तो इसकी वजह से कोई स्टडी हो रही है और ना ही कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से ना तो हम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ना ही कोई हॉस्पिटल वगैरह जो ज्वाइन है जॉब कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो बता रहे हैं। तो मैं उन सभी कैंडिडेट से बोलना चाहूँगा जो अभी यानी इस सिचुएशन में भी कोर्ट जा रहे हैं, यानी कोर्ट में जाकर वो क्या कर रहे हैं, पेटिशंस लगा रहे हैं, और पेटिशंस लगा रहे हैं उसका रीज़न कुछ नहीं है, बिल्कुल जो रीज़न मैंने लास्ट अपडेट आपको बताया दिया था कि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं अभी भी पेटिशंस में जा रहे हैं यानी कोर्ट में केस लगा रहे हैं, तो उन सभी का ये मान के चल रहे हैं जो वो पैसा लगा रहे हैं वो वेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी इसके रिगार्डेड ना तो NHM ने कोई फैसला दिया है कि जो सस्पेंड हुए हैं उनको बाहर कर दिया, या जो सस्पेंड हुए हैं उनको UR में काउंट कर दिया, या जो भी कोई इशू है वो आप सोच रहे हैं, आपके हिसाब से सोच रहे हैं। हालांकि जो भी सस्पेंडेड किए थे उनके रिगार्डेड ग्रीवेंस पोर्टल हैं जो कि ओपन कर दिया था, और ग्रीवेंस पोर्टल के रिगार्डेड आप सबने अपना अपना ग्रीवेंस लगा दिया था। कुछ कैंडिडेट रहे थे जो कि ग्रीवेंस नहीं लगा पाए और उन्होंने डायरेक्ट जाकर अपना पेटिशन दर्ज कर दिया, और पेटिशन दर्ज करने से क्या हुआ, ये जो इतना बड़ा फैसला हुआ है कोर्ट का, क्या फैसला हुआ है कि 26 मार्च तक इसका रिजल्ट जारी नहीं कर सकते और NHM इसका रिजल्ट करने वाला था 23 मार्च को, जो कि अब नहीं करने वाला, क्योंकि उसके रिगार्डेड कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो NHM को कोर्ट का फैसला मानना होगा। अगर 23 तारीख को मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले और आप सबको पता होगा, नहीं पता तो याद रहे कि 23 तारीख को एक सुनवाई होगी इसके रिगार्डेड,
ठीक है। तो 23 तारीख को यदि इन सारी बातों का जो भी कंडीशंस हैं, जो कि मैंने अपडेट आपको देता रहता हूँ, तो वो उसके रिगार्डेड यदि सॉल्यूशन हो जाता है तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए, बट उसके चांसेस कम हैं। यानी 26 तो आप मान के चलिए, 26 से पहले तो आपका रिजल्ट है बिल्कुल जीरो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल जीरो चांस है रिजल्ट आने के। यानी 26 से पहले चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, यानी नहीं आएगा। उसके बाद रही बात 26 के बाद, 26 के बाद इसके चांसेस हैं, क्योंकि जिसे मैंने लास्ट अपडेट में आपको दे दिया था कि 26 मार्च को जो भी फैसला होगा, हायरिंग होगी, उस हायरिंग में NHM क्या जवाब देगा, लास्ट अपडेट मैंने दे दिया था, लास्ट अपडेट में मैंने बता दिया था, तो उसको जरूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखें। और अभी इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मेरा मेन एम ये था कि वो कैंडिडेट जो कोर्ट के थ्रू, यानी कोर्ट के जरिए ये रोक लगने के बाद भी, यानी स्टे लगने के बाद भी, अभी भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर स्टे सॉरी पेटिशंस लगाने के लिए क्या करना होगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मैंने देखे, काफ़ी सारे कैंडिडेट आपस में बातें भी कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग मीडिया चैनल्स पे आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये रियलिटी है कि इतना कुछ बोलने के बाद भी, मैं इतना कुछ आपसे कहता हूँ, इतना कुछ कह रहा हूँ, उसके बाद भी काफ़ी सारे कैंडिडेट, और इस वैकेंसी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि पेटिशंस लगाने के लिए क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप पेटिशन लगाएंगे, बट थोड़ा होल्ड रहिए, पेटिशन्स लगाना आप रिजल्ट के बाद, क्योंकि ये नहीं है कि पेटिशन आप बाद में नहीं लगा सकते, बिल्कुल रिजल्ट के बाद आप अपना पेटिशन लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी कुछ दिनों के लिए आप होल्ड रहिए। आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है तो पेटिशन लगाना आप, लेकिन अभी मत लगाइए, क्योंकि अभी लगाने से हो सकता है ये वैकेंसी पे भारी नुकसान हो सके, यानी वैकेंसी पे और ज़्यादा डेट इशू हो सके, यानी डेट दी जा सके, जो डेट दी है अभी 26 मार्च, हो सके कि इस डेट को और हायरिंग कर दे, और बढ़ा दे, वो कब बढ़ाएंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेटिशन दर्ज करेंगे। तो पेटिशन दर्ज करने का भी कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट आएगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी जो भी समस्या होगी आपको पता चलेगी, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ ये है कि काफ़ी सारी जगह वो अलग अलग बातें सुन रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ऐसी बातें करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, डीमोटिवेट करते हैं लोगों को, तो उनकी बातों में, उनकी बातों को सुनकर वो डर कर पेटिशंस की तरफ जाते हैं। तो मैं सभी फ्रेंड्स से यही कहूँगा कि आपको लगता है कि ये वैकेंसी के अंदर आपको ऐसा होगा और वो वैसा होगा, ऐसा होगा, तो अभी किसी पर विश्वास ना करें, आप खुद पर विश्वास करें इस टाइम, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको, लास्टली जब से वैकेंसी स्टार्ट हुई है तब से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, और बिल्कुल सटीक अपडेट दे रहा हूँ। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आगे भी आपको इसके रिगार्डेड सटीक जानकारी मिलेगी। और आप सबसे यही कहना चाहूँगा, जो भी अभी सोच रहे हैं कि हमें भी पेटिशंस लगाना चाहिए, हमें भी कोर्ट में अपना नाम दर्ज करना चाहिए, यानी अपनी शिकायत करनी चाहिए, तो अभी जो भी ऐसा करने वाले हैं वो बिल्कुल कुछ दिन होल्ड रहे। अगर फाइनल लिस्ट आने के बाद भी उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो आप ज़रूर अपना पेटिशन लगाएं, आप ज़रूर अपना पेटिशन लगाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा और कोर्ट ज़रूर आपकी मदद करेगा। लेकिन अभी कुछ टाइम आपको होल्ड रहना होगा यदि फाइनल रिजल्ट चाहिए तो। जो बात मैंने आपको ग्रीवेंस पोर्टल के पहले बोली थी, वही बात आज फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यदि आपको फाइनली रिजल्ट चाहिए तो अपने आप को थोड़ा सा होल्ड रखना होगा। पेटिशन के रिगार्डिंग जो पेटिशन्स आप लगा रहे हैं, अभी नहीं लगाना है, कुछ टाइम आपको होल्ड रहना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद आपको स्टेटस पता चलेगा कि आपका स्टेटस क्या रहा है। अभी किसी को कोई का स्टेटस पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। हाँ, जिसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, कंप्लीट है, उनको पता है कि हमारे कंप्लीट हैं, लेकिन अभी एक्चुअली में उनको भी पता नहीं है कि उनका फाइनली होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कट ऑफ पर। कट ऑफ मैंने आपको बताई हुई है, उस कट ऑफ के अंदर आप हैं तो आपका स्टेटस बिल्कुल सेफ जोन में है, और नहीं देखे तो वो भी देखे। बस ये जो वीडियो शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है, एक ही एम है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि अभी डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट से, उन सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि वो मोटिवेट ना हो, और जो भी वो अभी कर रहे हैं स्टेटस, यानी कि अभी प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं, तो अपनी तैयारी है, प्रिपरेशन है, करते रहे नेक्स्ट एग्ज़ाम की। ये वैकेंसी हैं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी, और जो अभी ये कह रहे हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स ये भी हैं कि सर ये वैकेंसी बिल्कुल स्टे में जाएगी, तो उन सभी कैंडिडेट से भी मैं आप देना चाहूँगा कि ये वैकेंसी हैं स्टे पर, किसी भी कंडीशंस में जाने वाली नहीं है। इसका बिल्कुल ये केस बिल्कुल साफ सुथरा ये होने वाला है। बस आप कुछ दिन और होल्ड कर लीजिएगा, 26 मार्च का कोर्ट ने टाइमिंग दिया है, 26 मार्च तक आप होल्ड हो जाइए, यानी पेटिशंस नहीं लगाना है अभी, जिसने लगा रखी है वो ठीक है, बाकी अब जो भी कैंडिडेट हैं पेटिशंस नहीं लगाना है, अगर रिजल्ट चाहिए तो। अदरवाइज यदि आप रिजल्ट ये सोच रहे हैं कि हमारे पेटिशंस लगाने से आपका भी
कुछ होने वाला है तो इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है, इससे आपका पैसा ही बिगड़ेगा और कुछ नहीं होने वाला है। पेटिशंस की बात रही तो वो फाइनल लिस्ट आती है, फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद लगाएंगे तब आपके लिए वो सही हैं, अदरवाइज अभी कोई पेटिशंस नहीं लगा यदि फाइनल रिजल्ट चाहिए तो। और इसी बात को लेकर मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट तक ये पहुँच जाए, ताकि इसके रिगार्डेड जो कैंडिडेट है अब पेटिशंस ना लगाए अगर रिजल्ट चाहिए तो। तो इसी के एक बार फिर से मैं रिपीट कहूँगा कि अगर रिजल्ट चाहिए तो अभी पेटिशंस ना लगाए, कोर्ट का सहारा नहीं ले, एनएचएम को अपना काम करने दे, एनएचएम अपना जवाब खुद दे सकता है। और एनएचएम इसीलिए इस रिजल्ट को होल्ड किए हुए हैं क्योंकि कोर्ट में इतने सारे पेटिशंस जा चुके हैं कि उनको होल्ड करना पड़ रहा है मजबूरी में। बाकी आप समझदार हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। और कुछ दिन आपको होल्ड रहना है, बिल्कुल अपनी तैयारी को करते रहना है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना है, नेगेटिविटी नहीं रखना है, जहाँ पर नेगेटिविटी आपको मिलती है वहाँ से दूर रहे या उस प्लेटफॉर्म से आप नहीं जुड़े। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आपको इसके रिगार्डेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।